से प्रगति के रास्ते पर तेजी से जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे देश में संसदीय प्रणाली की राज्य व्यवस्था है। सदियों की दास्ता से मुक्त होने के पश्चात जब हम आजाद हुए तो हमने इस आशा और विश्वास के साथ स्वयं को शामिल करने के लिए लोकतंत्र को अपनाया और वास्तव में ऐसा हुआ भी है। लोकतंत्र के मार्ग पर चलकर ही धार्मिक क्षेत्रीय तथा भौगोलिक क्षमताओं वाला यह देश आगे बढ़ आया है, जबकि हमारे पड़ोस में ही कई देश लोकतंत्र मजबूत होने के कारण विकास के मार्ग पर पिछड़ गए हैं। आजादी के बाद के 65 से अधिक वर्षों में हमने तेजी से विकास का सफर तय किया है। भारत तथा मित्र मंडली आदि में राजनीतिक विश्लेषण होते देखते एवं सुनते रहते हैं। देश के आम नागरिकों के बीच होने वाला यह विश्लेषण निष्पक्ष रूप से संसदीय लोकतंत्र से जुड़ी सभी घटनाओं के कार्यों को समीक्षा करता है और शासक वर्ग के प्रति अपनी राय बताता है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत गलत बात तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से भारत में मीडिया के भी अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। लोकतंत्र में मीडिया आधार स्तंभ की भूमिका निभाता है। राजनीतिज्ञों तथा राजनीतिकों दलों पर मीडिया निगरानी रखता है तथा सत्ता में आने पर उन्हें अपने वायदों आदि का ध्यान दिलाता रहता है। संसदीय शासन व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यवाही पर एक नजर रखकर मीडिया सरकार का ध्यान उसकी कमियों की ओर भी दिलाता रहता है, जिससे सरकार को अपना प्रदर्शन बेहतर करने में मदद मिलती है। यह समाज का ऐसा दर्पण है जो हमें जीवन की सच्चाई से परिचय कराता है। समय के साथ साथ भारतीय छात्र सांसद